ये कैसे बचाएंगे? सर्वनाश सर्वनाश सर्वनाश। ब्राह्मण है, वंदना चतुर्वेदी मेरा नाम है और मैं पूरे प्रदेश में घूमूंगी, ब्राह्मण मुहिम जगाऊंगी और बीजेपी को हराऊंगी। बहन बेटी का अपमान है तो हमारा अपमान है, हम ब्राह्मण यहाँ चुप नहीं रहते। और ब्राह्मण महिलाओं से कहूंगी कि एकजुट हो जाओ भैया, क्योंकि अगर सम्मान पाना है तो समाजवादी में ही बचेगा। क्या माहौल है करहल में? करहल तो हमारा है ही है और पूरा उत्तर प्रदेश भी मेरा ही है। समाजवादी आएगी और समाजवादी ने विकास के मुद्दे पर आएगी, विकास बहुत कार्य किए हैं, बीजेपी ने विनाश किया है, समाजवादी ने विकास किया है, विकास के आधार पर आएगी। ब्राह्मण महिलाओं का इतना उत्पीड़न किया है कि बिना वजह बिना दोष के दो दो साल जेल में डाले हैं। खुशी दुबे का उदाहरण देख लीजिए महाराज। तो हम तो ब्राह्मण हैं, वंदना चतुर्वेदी मेरा नाम है और मैं पूरे प्रदेश में घूमूंगी, ब्राह्मण मुहिम जगाऊंगी और बीजेपी को हराऊंगी। और ब्राह्मण महिलाओं से कहूंगी कि एकजुट हो जाओ भैया, क्योंकि अगर सम्मान पाना है तो समाजवादी में ही बचेगा, नहीं दूसरी पार्टी में नहीं। आप अभी जिस आपने जाति का नाम बताया, ब्राह्मण है और लगातार उत्तर प्रदेश में जाति के नाम से पॉलिटिक्स हो रही है, कहीं बीजेपी ब्राह्मणों को अपने पाले में रिझाने की प्रयास करती है, कहीं बीएसपी लगातार, तो इस बार का ब्राह्मण किसके साथ है? समाजवादी के साथ है, ब्राह्मण रिझने वाली चीज़ नहीं है और जो है ये एक बुद्धिमान कौम है, ना बिकने वाली है, है ना। हम देख रहे हैं आँखों से कि हमारी बहन बेटी दो दिन ब्याही आई है, मतलब किसी का दोस्त हो सकता है लेकिन बहू बेटी का क्या दोस्त है कि तुम दो दिन पहले की बहू आके उठा के बिना दोस्त के बिना बात के और आपने मुकदमा इतने लगा दिए और उसको 2 साल से जेल में डाले। यहाँ तक कि सुनने में आया है कि उसको बटों से मारा, उसको ब्लड की उल्टी तक महिला को ही। और हमारी बहन बेटी का अपमान है तो हमारा अपमान है, हम ब्राह्मण यहाँ चुप नहीं बैठेंगी, इसका बदला वोट के रूप में जरूर देंगी और समाजवादी पार्टी को जिताएंगे हम लोग। यहाँ तक कि महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, यहाँ की योगी पुलिस क्या करती है कि उनको रात में जला देती है, सच छिपा देती है, हैं इनके विधायक बलात्कार कर रहे हैं और तो छोड़िए, ये कैसे बचाएंगे? सर्वनाश सर्वनाश सर्वनाश। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, बीजेपी महिलाओं को लेकर अभी महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम भी किया था, लगातार महिलाओं के ऊपर उनका टारगेट रहता है, महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी बहुत दावा करती है, क्या कहेंगे? जबकि उसका उल्टा करती है। पहले तो मैं करहल की धरती को प्रणाम करती हूँ, यहाँ के लोगों को प्रणाम करती हूँ। मैं मऊ से पूनम यादव, राष्ट्रीय सचिव महिला विंग, और भैया ने इसको चुना है, यहाँ से भैया बहुत ज़्यादा वोटों से जीत के जाएं, ये हम सब की शुभकामना है। और महिला शक्ति की जहाँ तक बात है तो महिलाएं तो पूरी तरह से इसमें असुरक्षित हैं, ये बात करते हैं कुछ और करते कुछ और हैं। खुद इनके जो नेता हैं वह खुद ही रेप केस में फंसे हुए हैं, जेल में हैं और अभी उन्नाव का आप देख ही रहे हैं, फिर हाथरस कांड हुआ जिसमें उसको जो है अग्नि तक नहीं नसीब हुई, उसको टायर से जलाया गया। तो ये सब बातें ये लोग कुछ और करते करते कुछ और। आप मऊ से आई हैं, आप राष्ट्रीय सचिव हैं और करहल में आप कंपेनिंग कर रही हैं, तो करहल में क्या मिल रहा है, क्या माहौल है करहल में? बहुत ही शानदार, और यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा वोटों से भैया को जिताएगी और पूरे देश में ये अच्छा मैसेज जाएगा, प्रदेश ही नहीं पूरे देश में मैसेज जाएगा। जो विपक्षी दल है वो तो खत्म पूरी तरह से जमानत। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।